डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम पेज नंबर 53 और 54 पे जो भी टेबल्स है उसको हम याद करेंगे, और टेबल्स को मैं याद करने का तरीका आपको बता देता हूँ कैसे आपको याद करनी है, और ध्यान से समझना। देखो ध्यान से, यहाँ 1 × 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब 16, यानी कि टेबल बन गई है 16 × 16। यहाँ 16 2 टाइम लिखे हुए हैं, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 32 आता है, यानी कि 2 × 16 का मतलब होता है 32। इसका मतलब 16 × 16 = 32। अब 16 3 टाइम लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सबको ऐड करेंगे तो 48 आएंगे। इसका मतलब 3 × 16 = 48, यानी कि तीनों को हम ऐड करते हैं तो 48 आता है। इसका मतलब तीसरी टेबल अपनी कंप्लीट हो चुकी है। 16 × 3 = 48। 16 4 टाइम लिखे हुए हैं, इसका मतलब होता है 24, यानी कि 4 × 16 का मतलब होता है 4 × 16 का मतलब होता है 64। 4 × 16 का मतलब कितना होता है 64। चाहें तो आप इन 16 को 4 टाइम ऊपर नीचे लिख के भी अगर ऐड करोगे तो भी 64 आएंगे। कहने का मीन्स ये है, 16 × 64। 16 को 5 टाइम लिख के अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा 80 आता है। 80 का मतलब ये होता है 5 × 16, अर्थात 16 को 5 टाइम लिख के हम ऐड करें तो 80 आता है। इसका मतलब अगली टेबल अपनी कंप्लीट हो चुकी है। 16 × 5 = 80। 16 को 6 टाइम लिख के अगर ऐड करते हैं तो 96 आता है। इसका मीन्स ये होता है, 6 × 16 = 96, यानी कि 16 को 6 टाइम लिख के ऐड करते हैं तो 96 आता है। इसका मतलब अगली टेबल अपनी कंप्लीट हो चुकी है। 16 × 6 = 96। अब 16 को 7 टाइम लिख के यदि हम ऊपर नीचे लिख के भी अगर ऐड करें तो 112 आता है। 112 मीन्स, यानी कि 7 × 16 = 112। इसकी अगली टेबल बन चुकी है 16 × 7 = 112। 16 को 8 टाइम लिख के अगर हम ऐड करते हैं तो 128 आता है। इसका मीन्स ये हुआ कि 16 × 8 = 128 आते हैं। 16 × 8 = 128 आते हैं। 16 को 9 टाइम लिख के यदि हम ऐड करते हैं तो 144 आता है। इसका मीन्स ये हुआ, 9 × 16 = 144, यानी कि 16 × 9 = 144। 16 को यदि हम 10 टाइम लिख के अगर ऐड करते हैं तो 160 आता है। इसका मीन्स ये हुआ, 16 × 10 = 160। मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ, आप अच्छी तरह याद कर लेना। 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48, 16 × 4 = 64, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112, 16 × 8 = 128, 16 × 9 = 144, 16 × 10 = 60। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। कहने का मीन्स ये है कि 16 की टेबल आप अच्छी तरह याद कर लोगे, अच्छी तरह समझ में आ गई होगी आपके। अब हम चलते हैं 17 की टेबल पे, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 17। अब इसको ध्यान से समझना है आपको, और अच्छी तरह समझ के इसको भी याद करना है। अब बड़े ध्यान से ही समझना ताकि अपने आगे कोई दिक्कत नहीं आवे, ध्यान रखना। 17 1 टाइम लिखा हुआ है, इसका मीन्स होता है 17। तो 17 × 17, 17 को 2 टाइम लिख के अगर हम ऐड करते हैं तो 34 आता है। इसका मीन्स ये है कि 17 × 34। 17 को 3 टाइम लिख के अगर हम ऐड करते हैं तो 51 आता है। इसका मीन्स ये हुआ, 17 × 3 = 51, यानी 3 × 17 = 51, यानी कि 17 × 3 = 51। 17 को 4 टाइम लिख के अगर हम ऐड करते हैं तो 68 आता है। कहने का मीन्स ये हो, 4 × 17 = 68, इसका मतलब है 17 × 4 = 68। 17 को 5 टाइम लिख के अगर हम ऐड करते हैं तो 85 आता है।
कहने का मीन्स ये है 17 को हम यदि 6 टाइम लिख के ऐड करते हैं तो 102 आता है। चाहे तो आप ऊपर नीचे लिख के ऐड कर सकते हो। तो इसका मीन्स ये हुआ 6 टाइम्स 17 मीन्स 102, इसका मतलब है 17 6 102। 17 को 7 टाइम लिख के अगर हम ऐड करते हैं तो 119 आता है। कहने का मीन्स ये है 7 टाइम्स 17, इसका मतलब होता है 119। इसका मतलब अगली टेबल बन चुकी है 17 7 119। अब 17 को 8 टाइम लिख के अगर हम ऐड करते हैं तो 136 आता है। कहने का मीन्स ये है 17 एट जा 136। 17 को 9 टाइम लिख के अगर हम ऐड करते हैं तो 153 आता है। कहने का मीन्स ये है कि 9 टाइम्स 17 इक्वल्स टू 153। इसका मतलब 17 9 जा 153। 17 को 10 टाइम लिख के ऐड करते हैं तो 170 आता है। इसका मीन्स ये हुआ 17 10 जा 170। तो कहने का मीन्स ये है, आपके 17 की टेबल भी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार रिपीट करा दूँ, 17 1 जा 17 17 2 जा 34 17 3 जा 51 17 4 जा 68 17 5 जा 85 17 6 जा 102 17 7 जा 119 17 8 जा 136 17 9 जा 153 और 17 10 जा 170। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब आगे हम मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 18 कंप्लीट करेंगे। इसको भी आप लोग ध्यान से समझ लेंगे ताकि इजीली आप याद कर सको तीनों टेबल को। अब आगे देखते हैं 1 टाइम्स 18 का मीन्स होता है 18। 1 टाइम्स 18 का मीन्स होता है 18, यानी 18 1 जा 18। 2 टाइम्स 18 को लिख के अगर हम ऐड करते हैं तो 36 होता है। इसका मीन्स ये हुआ 18 2 जा 36। 18 को 3 टाइम लिख के ऐड करते हैं तो क्या करते हैं 54 लिखते हैं हम। 54 मीन्स 3 टाइम लिख के अगर ऐड करते हैं तो 54 आते हैं। तो 18 3 जा 54। 18 को 4 टाइम लिख के अगर ऐड करते हैं तो 72 आता है। 18 4 जा 72। 18 को 5 टाइम लिख के अगर ऐड करते हैं तो 90 आता है, यानी 18 5 जा 90। 18 को 6 टाइम लिख के ऐड करते हैं तो 108 आता है। इसका मतलब 18 6 जा 108। 18 को 7 टाइम लिख के अगर ऐड करते हैं तो 126 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 18 7 जा 126। 18 को 8 टाइम लिख के अगर ऐड करते हैं तो 144 आता है। इसका मतलब 18 8 जा 144। 18 को 9 टाइम लिख के अगर ऐड करते हैं तो 162 आता है। इसका मतलब 18 9 जा 162। 18 को 10 टाइम लिख के ऐड करते हैं तो 180 आता है। इसका मतलब 18 10 जा 180। कहने का मीन्स ये है, 18 की टेबल भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसको भी आपको याद करना है, एक बार और रिपीट करा दो। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, 18 8 जा 144, 18 9 जा 163, 18 10 जा 120। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम टेबल ऑफ 19 सीखेंगे, इसको भी आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखो 19 वन टाइम्स लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 टाइम्स 19 इज़ 19, यानी कि 19 1 जा 19। अब आगे हम 19 को 2 टाइम लिख के ऐड करते हैं तो 38 आता है। इसका मीन्स ये है कि 19 2 जा 38। 19 को 3 टाइम्स लिख के ऐड करते हैं तो 57 आता है। इसका मतलब 3 टाइम 19 मीन्स 57। इसका मतलब ये हुआ 19 3 जा 57। अब आगे हम देखते हैं 19 को 4 टाइम लिख के ऐड करते हैं तो 76 आता है। इसका मीन्स ये हुआ 19 4 जा 76। इसका मतलब 19 4 जा 76। 19 को 5 टाइम लिख के ऐड करते हैं तो 95 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 टाइम 19 मीन्स 95, यानी 19 5 जा 95। अब 19 को 6 टाइम लिख के ऐड करते हैं तो 114 आता है। इसका मीन्स ये हुआ
कि 19 सिक्स 114 19 को 7 टाइम लिख के ऐड करते हैं तो 133 आता है। इसका मतलब ये है 19 सेवन ज़ा 133 19 को 8 टाइम लिख के अगर ऐड करते हैं तो 152 आता है। इसका मतलब ये है 8 टाइम 19 152, यानी कि 19 एज़ ज़ा 152 19 को 9 टाइम लिख के ऐड करते हैं 176 आता है। इसका मतलब ये है 9 टाइम्स 19 मीन्स 176, यानी 19 नाइन ज़ा 171 19 को 10 टाइम लिख के ऐड करते हैं तो 190 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 टाइम्स 19 190, यानी 19 टेन ज़ा 190। मैं 19 की टेबल एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ ताकि इजीली आप याद कर सको। 19 वन ज़ा 90, 19 टू ज़ा 19 वन ज़ा 19, 19 टू ज़ा 38, 19 थ्री ज़ा 57, 19 फोर ज़ा 76, 19 फाइव ज़ा 95, 19 सिक्स ज़ा 114, 19 सेवन ज़ा 133, 19 एट ज़ा 152, 19 नाइन ज़ा 171, 19 टेन ज़ा 190। ये ध्यान रखना आपको, 19 की टेबल भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं हम 20 की टेबल पर, इसको भी आप ध्यान से समझेंगे। 20 वन टाइम लिखते हैं तो 20 वन ज़ा 20, 20 को 2 टाइम लिखते हैं और अगर ऐड करते हैं तो 40 आता है। इसका मतलब 22 ज़ा 40, 20 को 3 टाइम लिख के ऐड करते हैं तो 60 आता है। इसका मतलब 23 ज़ा 60, 23 ज़ा 60, 20 को 4 टाइम लिख के ऐड करते हैं तो 80 आता है। इसका मतलब 24 ज़ा 80, 20 को 5 टाइम लिख के अगर ऐड करते हैं तो 100 आता है। इसका मतलब 25 ज़ा 100, 25 ज़ा 100। इसका मतलब ये है 20 को 6 टाइम लिख के अगर ऐड करेंगे तो 120 आएगा। इसका मतलब होता है 26 ज़ा 120, 20 को 7 टाइम लिख के ऐड करते हैं तो 140 आता है। इसका मतलब 7 टाइम्स 20 इक्वल्स टू 140, इसका मतलब 27 ज़ा 140। 20 को 8 टाइम लिख के अगर ऐड करते हैं तो 160 आता है। इसका मतलब 8 टाइम्स 20 160, यानी कि 28 ज़ा 160। 20 को 9 टाइम लिख के ऐड करते हैं तो 180 आता है। इसका मतलब ये हुआ 29 ज़ा 180, और 20 को 10 टाइम लिख के ऐड करते हैं तो 200 आता है। इसका मतलब 20 टेन ज़ा 200। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ इसको ताकि आप इजीली याद कर सको। 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, 24 ज़ा 80, 25 ज़ा 100, 26 ज़ा 120, 27 ज़ा 140, 28 ज़ा 160, 29 ज़ा 180, 20 टेन ज़ा 200। इसका मतलब यह है आपको 20 की टेबल भी कंप्लीट हो गई है। आप ध्यान से देखिए आगे, ये 11 से लेकर 20 तक आपकी शॉर्ट में टेबल लिखी हुई है। आप चाहें तो उस तरीके से याद कर लो, चाहें तो इस तरीके से याद कर लो, इससे भी आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22, 11 थ्री ज़ा 33, 11 फोर ज़ा 44, 11 फाइव ज़ा 55, 11 सिक्स ज़ा 66, 11 सेवन ज़ा 77, 11 एट ज़ा 88, 11 नाइन ज़ा 99, 11 टेन ज़ा 110। ये सारी 11 की 12 की 13 ये पूरी 20 तक टेबल आपको लिखी हुई है। इसको आप अच्छी तरह याद कर लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।